दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें रेलवे ट्रैक पर बैठे बहुत से लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि तस्वीर में उनके पीछे एक इंजन भी रुका खड़ा नजर आ रहा है। इस फोटो को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग कहानी बयान की जा रही है। किसी का दावा है कि यह फोटो मुजफ्फरपुर बिहार की है, तो किसी का दावा है कि इस ट्रेन को रोककर नमाज पढ़ने के चक्कर में कई बच्चे नीट की परीक्षा के लिए समय पर नहीं पहुंच सके। वैसे तस्वीर से ये बात तो साफ हो रही है कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये जगह कौन सी है और नमाज ट्रेन की पटरियों के बीच में क्यों पढ़ी जा रही है, इसको लेकर जरूर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तस्वीर को लेकर यह भी दावा किया गया कि फोटो तमिलनाडु में किसी स्टेशन की है जहां ट्रेन को इसी नमाज की वजह से रोकना पड़ा और बच्चे परीक्षा के लिए नहीं पहुंच सके। जाहिर सी बात है कि एक ही तस्वीर की इतनी सारी कहानियां तो नहीं सकती। यह तस्वीर किसी एक ही जगह की रही होगी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बताई जा रही इन दोनों जगहों से कोई चालक नहीं रखती। दरअसल इस तस्वीर की सच्चाई कुछ और है जो आज हम आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे। इस फोटो की सच्चाई जानने के लिए आपको भी ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल आपको इसे गूगल पर मनाजम रेलवे ट्रैक शब्द लिख फोटो करना है, बस फिर सब साफ साफ आपके सामने होगा। वैसे फोटो सर्च करने पर इसी जगह की कई और फोटो भी नहीं वीडियो भी सामने आ जाते हैं। बता दें इस फोटो को टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट इंडिया चट्टोपाध्याय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शूट किया था। उनके द्वारा लिखे गए ब्लॉग में इस फोटो के बारे में और जानकारी दी गई है। फोटो लेने वाले फोटोग्राफर ने खुद बताया है कि ये नई दिल्ली स्टेशन पर अलविदा की नमाज के दौरान ली गई फोटो है। अनिंदिया चट्टोपाध्याय ने जिस जगह की ये फोटो ली है वो नई दिल्ली और सदर बाजार के बीच में है, जिसका नाम है वहाँ पर अच्छी मियाँ की मस्जिद है। पहले इस मस्जिद में सिर्फ रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रेलवे के स्टाफ ही नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में आसपास के लोग भी यहाँ आने लगे। जब लोगों की संख्या बढ़ी तो मस्जिद में जगह कम पर गई और लोग चौक तक जाकर भी नमाज पढ़ने लगे। अगर अब आपके पास गलत सूचना के साथ लिंक कर न्यू व्हाट्सएप या मैसेंजर पर आए तो कृपया कर इसे आगे शेयर करने से बचें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।